स्टूडेंट आज हम बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं। अब यहाँ जो प्लांट है इसका मतलब पौधे नहीं होते बल्कि जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाती है या इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, कारखाने लगाए जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी मशीनरीज या जो पूरा सेटअप किया जाता है ना इस तरह का मशीनरी लगा के, तो उनको हम कहते हैं प्लांट। और जो वाटर ट्रीटमेंट है इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि वाटर में जो है बहुत सारी क्या मौजूद होती हैं, वाटर के अंदर बहुत सारी मौजूद होती हैं इम्प्योरिटीज़, यानी कि आलूदगी फैलाने वाली अज्जा मौजूद होते हैं जो पानी को आलूदा करते हैं। तो उसको उससे साफ़ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। अब आलूदगी किस तरह की हो सकती है, आलूदगी हमने देखा था बेशुमार तरह की हो सकती है, जैसे कि हमने कहा था बीमारी फैलाने वाले जरासीम, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे जर्म्स हो सकते हैं, कुछ नमकियात हो सकते हैं जिनको हम कहेंगे सॉल्ट्स, जो कि क्या करते हैं पानी को ख़राब कर देते हैं, पानी को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देते। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या शामिल होता है, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, यानी ज़र्रात भी हो सकते हैं, ठोस ज़र्रात जो पानी के अंदर हल ना हुए वो लेकिन इसमें शामिल हों, जिस तरह रेत हो सकती है या कुछ भी इसके अंदर जो है वो शामिल हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट के दौरान मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को से जो है मुख्तलिफ तरह की चीज़ों से हम पानी को पाक करेंगे, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यही किया जाता है। तो चलिए ऐसे करते हैं, पूरा सेटअप देख लेते हैं, पूरा प्लांट हम देखते हैं और उसमें किस तरह से पानी को ट्रीट किया जाता है इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा एक वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट, हम पूरा प्रोसीजर यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक यहाँ पे हमने दिखाई हुई झील यानी कि लेक देख रहे हैं हम, तो लेक मौजूद होती है, झील का पानी हम लेंगे क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है फ्रेश वाटर, यानी कि ताज़ा पानी जो जो इस्तेमाल के काबिल होता है। फिर हम क्या करेंगे, एक पाइप के ज़रिए जिसको हमने इनटेक पाइप कहा, इसके ज़रिए हम ये झील का पानी लेके जा रहे हैं। अब इस झील के पानी में क्योंकि नेचुरल पानी है इसके अंदर होंगी इम्प्योरिटीज़, तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है, रिमूव करना है ताकि पानी इस्तेमाल के काबिल और पीने के काबिल हो सके। अब इनटेक पाइप से हम लेके जा रहे हैं, आगे आती है सबसे पहले हो जाती है, यहाँ पर मौजूद होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग में क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग में जिस तरह से होती हैं मछलियाँ, या अब देखिए ना झील में से ले रहे हैं ना पानी, तो मछलियाँ हो गई या कचरा हो गया या फिर हम कहते हैं घास फूस हो गया, तो वो सारा कुछ कहाँ पे रिमूव होता है, वो स्क्रीनिंग के अंदर जो है यहाँ से छन जाता है, उस वो फिर आगे नहीं जाता। अब इस इन तमाम चीज़ों से तो ये पाक हो गया। अब इससे आगे जाते हैं, इससे आगे आ जाता है पम्प वेल। अब ये जो पंप वेल होता है ये क्या करता है, ये पानी को पंप करता है, और पानी कहाँ जाता है, पानी जो है वो हम देखते हैं नीचे की तरफ जाता है। अब पानी ने इन पाइप से नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं और फिर आते हैं फ्लॉक्यूलेंट्स, और हम यहाँ प्रोसेस करते हैं फ्लॉक्यूलेशन का। ये देखिए यहाँ से हम फ्लॉक्यूलेंट्स को जो है यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे। अब फ्लॉक्यूलेंट्स क्या होते हैं, फ्लॉक्यूलेंट्स होते हैं ऐसे केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, जो कि फ्लॉक्स बना देते हैं। अब फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं हम क्लम्प्स को, ठीक है, क्लम्प्स यानी कि डले या डलियां सी बना देते हैं या गुठलियां बना देते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे डलियां, छोटी छोटी डलियां बना देते हैं, बिल्कुल इस तरह से यूं करके छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं ना वो इस तरह गुथम गुथा हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि डलियां सी बना लेते हैं, तो इस तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक यहाँ फ्लॉक्यूलेंट्स भी यूज़ होते हैं, दूसरा यहाँ पर कोएगुलेंट्स भी यूज़ होते हैं। और जो प्रोसेस जब फ्लॉक्यूलेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, फ्लॉक्स बनते हैं, तो हम कहते हैं फ्लॉक्यूलेशन, और जब कोएगुलेंट्स होते हैं और हमारे पास यहाँ कोएगुलेशन हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं जो कोएगुलेशन होती है इसमें जो ये क्लम्प्स ये डलियाँ बनती हैं बहुत छोटी छोटी बनती हैं, तो जब ये छोटी छोटी बनती हैं तो क्या होता है कि पहले तो वो यहाँ पर वो जो छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं या छोटी छोटी डलियाँ होती हैं यहाँ पर वो क्या करती हैं, यहाँ पर सस्पेंडेड होती हैं, इस तरह से वो पानी के अंदर तैरती फिर रही होंगी। अब उनको तो निकालना मुश्किल हो जाएगा ना जब वो तैरती फिर रही हैं यहाँ पर, तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, हम फिर फ्लॉक्यूलेंट भी यूज़ करते हैं। पर जब हम फ्लॉक्यूलेंट यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी बनती हैं, तो यही क्या हो जाती हैं, ये मज़ीद बड़ी हो जाती हैं क्योंकि और ज़र्रात जो है वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, बड़ी डलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। अब ये क्या होगा, अब ये जो है ये जो ज़र्रात हैं, ये जो क्लम्प्स हैं या फ्लॉक्स हैं, ये क्या करेंगे, ये नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये थोड़े से वज़नी हो गए ना, थोड़े से क्योंकि इनमें वज़न थोड़ा बढ़ गया क्योंकि ये मिलना शुरू हो गए।
तो फिर ये नीचे बैठ जाएंगे और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर दूसरी, अब जो ये आपको ये जो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो मशीनरी का पार्ट है इस पे आपको नज़र आ रही है इस तरह की चीज़ लगी हुई है। अब ये मूव करते हैं पंखों की तरह के, पंखों की जिस तरह पंखड़ियाँ होती हैं इस तरह से ये लगे हुए होते हैं और ये मूव करते हैं। अब ये घूमेंगे तो क्या होगा, पानी सर्कुलेट होगा। ये तो नीचे बैठ गए लेकिन पानी आगे की तरफ मूव करेगा, ये भी मूव करेंगे इसी तरह, ये भी गोल घूमेंगे, ये भी गोल घूमेंगे, तो क्या होगा, पानी आगे की तरफ जाएगा। अब जब पानी आगे की तरफ जाएगा तो हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे, सैंड फिल्ट्रेशन। अगला स्टेप क्या है, सैंड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे आपको मिट्टी नज़र आ रही है, आप मिट्टी तो नहीं कहेंगे इनको, तो यहाँ पर क्या है, पहले मौजूद है कोल, तो कोल जो होता है, कोयला जो होता है, कोयले की एक सूरत यहाँ पर यूज़ की जाती है, एक फॉर्म यूज़ की जाती है, कोयले की एक शक्ल यहाँ पर यूज़ की जाती है। इसके अंदर से पानी गुजरता है तो क्या होता है, जो पानी के अंदर अगर कलर आ रहा होता है किसी खास वजह से, कोई ख़ास ज़र्रात मौजूद होते हैं जिनकी वजह से कलर आ रहा हो, तो वो रिमूव हो जाते हैं, वो इसमें से कोल उनको अलहदा कर देता है। फिर हम देख रहे हैं पानी में से कलर और इसके अलावा खुशबू भी, अगर कोई खुशबू कहेंगे या बदबू कहेंगे, जिस तरह की भी स्मेल अगर इसमें होती है, तो स्मेल और कलर जो है कोल की वजह से यहां से रिमूव हो जाता है, कोल उसको अलहदा कर देता है। इसके बाद पानी गुजरता है रेत में से, यानी कि सैंड में से। सैंड में से गुजरता है तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फिर सैंड में रह जाते हैं। अब रेत में देखा है हमने कि पानी जो है रेत में से गुजर जाता है ना, तो पानी इसमें से गुजरेगा और हम देखते हैं जो ज़र्रात होंगे वो क्या होंगे, वो सैंड में ही रह जाएंगे। और सबसे नीचे मौजूद होता है ग्रेवल, ग्रेवल होती है बजरी, बजरी मौजूद होती है यहाँ पे। तो मज़ीद यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी में पानी छंद सा जाएगा एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर भी होते हैं, इसके बीच में स्पेसेस होती हैं जो बजरी है, तो क्या होगा, पानी इसमें से गुजर जाएगा। अब जब पानी इसमें से गुजरेगा तो हम देखते हैं और ज़र्रात, जो मज़ीद ज़र्रात कुछ रह गए होंगे, वो भी इसके अंदर से निकलते हुए चले इसमें रह जाएंगे और पानी इसमें से निकलता हुआ चला जाएगा। इसको हम कहते हैं सैंड फिल्ट्रेशन। फिर कभी कभी ऐसा भी करते हैं हम, इस सैंड के अंदर इस जगह पे हम ऐसे कुछ छोटे छोटे जानदार, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते बल्कि उनके उसके लिए खुरदबीन यानी कि माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है, तो ऐसे जो है जानदार यहाँ पर जो है वो शामिल किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो जरासीम होते हैं ना, जिनको हम जर्म्स कहा था, जरासीम जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बीमारी फैलाने वाले जरासीम जो होते हैं, उनको यहाँ पर वो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हम बाज़ औक़ात ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ पर शामिल कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहाँ से तो छन गया, यानी कि सैंड से फिल्ट्रेशन हो गई। अब आते हैं हम अगला, एक ये कुआं सा, ये वेल सा बना हुआ होता है, चलें यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये क्या होता है, वेल बना हुआ होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। अब क्लोरीनेशन कैसे की जाती है, इसके अंदर हम शामिल करते हैं क्लोरीन गैस, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं अमाउंट में यूज़ की जाती, बहुत कम यूज़ की जाती है क्योंकि ये ख़तरनाक होती है। लेकिन हमने क्या करना है, जरासीम भी तो मारने हैं ना, तो हमने यहाँ पर इसको डालना भी ज़रूरी है, तो इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है, लेकिन यह है कि हमने बहुत थोड़ी अमाउंट इसकी इस्तेमाल करनी है। इसको पानी में शामिल कर दिया जाता है और चूंकि इसकी खसूसियत होती है कि ये जरासीम कुश होता है, यानी कि जरासीम मारता है, तो हम इसको कहते हैं डिसइनफेक्टेंट। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे, हम जा रहे हैं, ये मज़ीद पाइप्स यहाँ पर हैं, इन पाइप से अगले पंप वेल पे चले गए, अगला पंप वेल पे पानी को भेजते हैं। अब यहाँ पंप वेल जो है ये क्या करता है, पानी ऊपर की तरफ लेके जाता है, इस पंप का काम ये है कि इसने पानी ऊपर की तरफ लेके जाना है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो हम देख रहे हैं यहाँ से फिर पानी को पंप किया जाता है, ये पंप वेल बना होता है, यहाँ से पानी पंप करते हैं। अब कहाँ जाना है, अब इसने जाना है स्टोर होने के लिए ग्राउंड लेवल रिजर्वायर पे। ग्राउंड लेवल रिजर्वायर हम पहले देख चुके हैं, ग्राउंड वाटर जो होता है, जो कि ज़ेर ज़मीन पानी होता है मौजूद, वहाँ पे जो है इसको स्टोर कर लिया जाता है। देखिए ज़मीन के नीचे है, ये हम अंदर का पार्ट दिखा रहे हैं, ऊपर ऊपर सारी ज़मीन है, हमने थोड़ा सा इसको खोल के यहाँ से दिखा रहे हैं कि अंदर इस तरफ यहाँ पर क्या करते हैं, स्टोर कर लिया जाता है पानी। तो ये ग्राउंड लेवल रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब स्टोरेज है यहाँ पर इसका, पानी का। इसकी इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ तो स्टोर हुआ है, लेकिन यहाँ से आगे भी जा सकता है और इस वेल से भी आगे भेजा जाता है, जहाँ पे घर मौजूद होते हैं वहाँ घरों को भी यहाँ से सप्लाई किया जाता है।
क्योंकि देखिए अब इसमें से हमने जर्म्स को भी निकाल दिया, हमने छोटे छोटे जो जर्रात थे उनको भी निकाल दिया, हमने हमने जो है वो कलर हो गया, स्मेल हो गई, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर रिमूव कर दिया। और यहाँ पर हमने थोड़े से डलियाँ डलियाँ बना के, जो चीज़ें वैसे डिजोल्व नहीं हो रही थी, वैसे नहीं छन रही थी, हमने यहाँ पर उनको इस तरह छान लिया। इससे पहले हमने घास फूस और जो दीगर चीज़ें थी उनको भी स्क्रीनिंग कर ली थी। तो यह है कि हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हमने देखा कि फ्रेश वाटर हमने लिया एक कुदरती तौर पे पाई जाने वाली कौन सी चीज़, जो झील हो गई या फ्रेश वाटर की जो कि हम कहते हैं जहाँ स्टोर हुई भी होती है, जहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कि झील हो गई, तालाब हो गए, दरिया हो गए, नदियां हो गई, वहां से पानी लिया और उसको हमने इम्प्योरिटीज यानी आलूदगी फैलाने वाले अज्जा से पाक किया।